इवनिंग शिवानी, गुड इवनिंग। आरएमएस वैल्यू क्या बताओगे? कोई बात नहीं मिस्टर। दोबारा बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो रूट टू से डिवाइड कर देंगे किसको? 500। सिर्फ 500 को? सर रूट टू भी साथ में हाँ, आई नॉट को बोल दो ना, किसको डिवाइड कर दोगे? आई नॉट को रूट टू से डिवाइड कर। 500 रूट टू डिवाइडेड बाय रूट टू, तो यानी कितना आ जाएगा? 5। बहुत ज्यादा वैल्यू है, बट अभी के लिए अभी मैंने यूनिट्स डिसाइड नहीं की, मिली में है, एमपीएम में कैसे है, कुछ भी। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं तुम्हें बोल दूं रेजिस्टेंस इसमें दे रखा है हमें 50, अभी मैंने फिर वही नहीं बोला, 50 यूनिट्स बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, 50 यूनिट्स। तो इसमें ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो ई नोट की? सोचो थोड़ा और फिर बताना। 25,000। क्या हुआ? 25,000 25,000। कैसे किया है तुमने, मेरे को फॉर्मूला बताओ। आई ई नोट निकालने के लिए क्या किया है? आई और आर को इनटू कर दिया, आई आई को या आई नोट को? आई नोट को आई नोट मल्टीप्लाई बाय आर कर दिया। आई नोट कितना था? 500 रूट टू मल्टीप्लाई बाय में आर कितना आ गया? 50। फिफ्टी ठीक, क्लियर। ऐसे ही मैं तुमसे सिंपल आरएमएस की वैल्यू पूछता, ई आरएमएस की, तो क्या लिखते? सोचो दिमाग लगा, इनपुट क्या बोलोगे? जैसे आईआरएमएस निकाला है वैसे ईआरएमएस निकालो फटाफट। आईआरएमएस डिवाइडेड बाय हाँ, किसको डिवाइडेड बाय रूट करोगे? 500 रूट टू इनटू 50। वेरी गुड। वहां पे सर आईआरएमएस निकालने के लिए आई नोट डिवाइड बाय रूट टू किया है, ईआरएमएस निकालने के लिए इनपुट डिवाइड बाय ई नोट कितना है? 500 रूट टू मल्टीप्लाई बाय 50, इसको किससे डिवाइड कर? टू सो ये आंसर आ गया ईआरएमएस। क्लियर है ना सब? यस सर। अच्छा, पावर निकालनी हो, पावर का जनरल फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, तो यहां पर क्या हो जाएगा अगर आरएमएस की बात करूं तो? ईआरएमएस इंटू आईआरएमएस, सिंपल। लेकिन उसके ऊपर अभी मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रही, क्योंकि ये पूरा अलग से कंसेप्ट बताऊंगा मैं पावर का, पावर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल अगर तुम्हें पावर आरएमएस निकालनी हो, पी पी की वैल्यू निकालनी हो, तो क्या करोगे? वी इंटू आई का फॉर्मूला लगा दोगे। वी मतलब ई आर एम एस, आई मतलब आई आर एम एस, तो ई आर एम एस को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? आई आर एम आई एस आर एम एस आ जाएगी। बट अगर जिसको नहीं भी समझ आता वो भी के लिए छोड़ सकता है, हम आगे करेंगे इसको पूरा। बट यहां तक समझ में आ गई, ये चीजें हमने कर ली थी अभी तक, है ना? आई नोट क्या होता है? डन। आई आर एम एस क्या होता है? डन। वी नोट क्या होता है? डन। वी आर एम एस क्या होता है? डन। सब कुछ बोलो। यस कंप्लीट साइकिल, अगर एवरेज वाइज साइकिल की बात करूं, इसमें एसी की कितनी होगी? जीरो 0। और अगर क्या बात करें, हाफ साइकिल की बात करूं तो एवरेज 0.637 0.637 ऑफ आई नोट, या 2 I नोट बाय पाई भी लिख सकते हो, या 63.7 ऑफ आई नोट भी लिख सकते हो, सेम। अब होमवर्क देना, क्या हमेशा अगर साइन फंक्शन ना हो के, कोस फंक्शन ना हो के, कोई और फंक्शन हो, क्या आई एवरेज हमेशा 0 होगी या नहीं होगी, पता करके आना। ठीक है, पता करके आओगे आज? यस सर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से, पहले तो ये बताओ। अगर साइन फंक्शन या कोस फंक्शन ना हो के कोई और फंक्शन हो, तो क्या आई एवरेज 0 होना चाहिए या नहीं क्या लगता है तुम्हें? मुझे लगता है नहीं होना फिर चाहिए। हम ऐसे क्यों पढ़ते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज 0 ओवर अ कंप्लीट साइकिल? क्या हम उसमें सिर्फ साइन फंक्शन की बात कर रहे होते हैं? आज के लिए होमवर्क रखना है, ठीक है? समझ में आ रही है? क्लियर? सब क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्या बोला मैंने? ठीक है, तुम्हें पता भी चलेगा। फिर अगर ऐसा ना होता तो फिर मैं ऐसा क्यों बोलता कि आरएमएस की जरूरत क्यों पड़ी है ना? और आरएमएस की डिफाइन तो तुम सबको कर सकते हो ना, आरएमएस को तो डिफाइन कर सकते हो ना आप? तुम कैसे पढ़ते हैं इसको, उल्टा पढ़ते हैं या सीधा?
उल्टा उल्टा तो करना पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, फिर मीन स्क्वायर फिर रूट करना है। रूट तो ये आरएमएस की वो वैल्यू वैल्यू है, वो डीसी की वो वैल्यू है जब वो किसी सर्किट से पास करे तो वो उतनी ही हीट जनरेट करे जितना कौन करता है, एसी जनरेटर। एसी करता है, एसी जनरेटर नहीं, सिंपल एसी। एसी जनरेटर क्या जनरेट करता है, हीट। क्या जनरेट करता है, कौन सा करंट जनरेट करता है, एसी जनरेट। इसीलिए तो सर एसी है, तुम तो कर चुके हो। अब देखो ये नॉर्मल से अब स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम जो देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी याद रख लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुमने रेजिस्टेंस को बैटरी के साथ लगाया था ना, पर भी यही करोगे, रेजिस्टेंस को किसके साथ लगाओगे, बैटरी के साथ लगाओगे। लेकिन अब ये बैटरी डीसी थी पहले, अब कैसी है एसी। फॉर्मूला वही लगता है सर, वी इज इक्वल टू आई आर, भी वही लगेगा, लेकिन अब वी की जगह वी की पूरी वैल्यू आएगी, ई नोट साइन ओमेगा। किरचॉफ लॉ सबको लगाना आता है ना, अभी वही सिंपल। अभी तो देखो ईएमएफ की वैल्यू दे रखी है, वी इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होता है, V is equal to IR. V की जगह यहाँ पर क्या है, E. तो मैं इसको रब कर दूँ क्योंकि लिखा हुआ बाद में, तो E is equal to IR. E की जगह क्या लिख दूँ, I की जगह पता नहीं, R की जगह R. तो I का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E not by R sin omega t. और E not by R को मैं क्या लिख सकता हूँ, I. I. पूरा आई, पूरा बोलो, सिर्फ आई, आई नॉट, आई नॉट, आई नॉट साइन। तो देखो जो हमें ईएमएफ दे रखा था वो क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट आया वो भी क्या आया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों कौन से फंक्शन आए हैं, साइन, साइन के फंक्शन है। पहले तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नो सर, सबको समझ में आ रही है, दोनों फंक्शन कैसे हैं, साइन फंक्शन। अब यहाँ पे मैं एक बहुत खास चीज बताने वाला हूँ, जो अगर यहाँ समझ लोगे तो आगे समझने में दिक्कत नहीं आएगी, बेसिक आज ही होगा उसका। फेजर, अभी मैं पूरी तरीके से नहीं बताऊंगा फेजर, क्योंकि पूरे तरीके से आरएलसी में सर्किट में समझ में आएगा तुम्हें जब तीनों इकट्ठे लगे होंगे। फेजर क्या बताता है, फेज के बारे में, मतलब फेज हमने पिछली बार में बात कर ली थी पिछले दिन, कि कौन सी जो क्वांटिटी है वो कैसे वेरी कर रही है, पीछे है या आगे है, कैसे। अगर मैंने B2 में बताया होगा तो तुम भी देख लो, यहाँ पर है सपोज कर लो ये एक सर्किट है मेरा, मतलब एक वैल्यू है E की, दिख रही है, हाँ सर, कौन सा फंक्शन बनाया मैंने, साइन फंक्शन, ये जीरो है, यहाँ पर वो एंगल वाला फॉर्म क्या है, पाई, पाई, यहाँ टू पाई, पाई बाय टू। अगर मैंने बोला था ना फेज बताती है ये चीजें, है ना, हाँ सर। अगर मैं यहीं पर एक और डायग्राम बनाऊं और ऐसा लिखा दूं तुम्हें, अब मुझे बता सकते हो इसका भी सर, ये जीरो है, ये क्या होगा पाई, ये क्या होगा टू पाई, टू पाई, टू पाई। साइकिल को जीरो से टू पाई पे कंपेयर करो, ग्रीन वाली आगे है या येलो वाली आगे है, येलो वाली, येलो वाली, कितना आगे पाई, पाई आगे। तो ये फेज इसका आगे है, ये मतलब आगे है, तो फेज का डिफरेंस है सर इसमें, फेज का डिफरेंस यही चीज बताता है कि कौन आगे है कौन पीछे है, मतलब कोई भी क्वांटिटी कैसे वेरी कर रही है वो उसके फेज से पता लग जाएगा हमें। अभी कितना फेज का डिफरेंस आ रहा है, जब ग्रीन वाली जीरो पर थी तो वो अपनी हाफ साइकिल येलो वाली पूरी कर चुकी थी, ठीक है ना। देखो जब ग्रीन वाली जीरो पर आई उस टाइम पर येलो वाली की कितनी साइकिल पूरी हो गई, हाफ, इतना उसका फेज डिफरेंस आ गया फाइव। अगर नॉर्मल केस होता तो यहाँ पर देखो लिखा होता E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, अभी तक इतना पता है, लेकिन मैंने बताया था साइन ओमेगा टी के साथ प्लस भी हो सकता है और माइनस, पाई मतलब पाई, पाई आगे है, कौन आगे है, येलो वाला, आई जो चीज है ये क्या बताएगा हमें, फेज का डिफरेंस, समझ में आ रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है, जरूरी नहीं है पाई हो, कुछ भी हो सकता है, क्लियर है, अगर पीछे होगा तो माइनस होगा, हाँ बिल्कुल माइनस होगा, और लेकिन वो किस पे लगेगा माइनस वो भी बात करेंगे, ठीक है, चलें आगे। यस सर। अभी तुमने दो इक्वेशन बताओगे तुम मुझे,
अभी तुम किसके बीच में बात करोगे? अभी तो मैं दो कोई भी फिगर के बारे में बात कर रहा था, दोनों ईएमएफ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है, दो क्वांटिटीज के बारे में, दो फंक्शंस के बारे में बात कर रहा। अब यहाँ पर मेनली वो दो फंक्शंस कौन से होंगे? एक तो होगा ईएमएफ यानी वोल्टेज, और दूसरा क्या होगा? करंट। तो किसके फेज की बात करोगे, ईएमएफ और करंट? तो ईएमएफ का जो फॉर्मूला है, जो वैल्यू थी वो कितनी थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वो यही ग्राफ बनेगा क्या? सेम, बिल्कुल है ना। अब किसका बनाए, करंट जो आया, करंट क्या आया, आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या वो भी सेम ग्राफ बनेगा? बिल्कुल यस सर। थोड़ी सी कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि से कुछ क्या हो रहा है, डिवाइड। लेकिन तुम देखो ध्यान से, ये भी साइन का फंक्शन, ये भी साइन का फंक्शन, तुम देखो दोनों में ई के फॉर्मूले में टाइम की वैल्यू जीरो पुट करो तो ई की वैल्यू क्या आएगी, पी की जगह जीरो पुट करो तो ई की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। एट टी इज इक्वल टू जीरो ई जीरो। ऐसे आई के फॉर्मूले में टी जीरो पुट करो, आई की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, समझ में आ रही है? Yes, तो यहाँ पर दोनों का फंक्शन बिल्कुल सेम है, तो इनके बीच में फेज का डिफरेंस कितना आ रहा है, जीरो। जैसा वो वेरी कर रहा है वैसे वो वेरी कर रहा है, तो ऐसी चीजों को बोलते हैं इन फेज। क्या बोलेंगे? इन फेज। मतलब जैसे जैसे मेरा ईएमएफ वेरी कर रहा है, वैसे ही मेरी क्या वेरी कर रही है सर, करंट वेरी कर रहा है, समझ में आ रहा है? दोनों फेज में है, कोई भी आगे नहीं है, कोई भी पीछे नहीं है। तो जब एक सर्किट में, एसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है, रेजिस्टर लगा हुआ है, तब जो ईएमएफ है और जो करंट है दोनों एक दूसरे के साथ फेज में है, मतलब जैसे वो वेरी करेगा वैसे ही करंट वेरी करेगा। क्लियर है? यस सर। तो इनका ग्राफ सेम बनेगा, अगर मेरे को एक ग्राफ में दिखाना हो तो मैं कैसे दिखाऊंगा, बस उसकी वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाएगी, करंट कम। ये हम पहले बात कर चुके। अच्छा, फेजर क्या है? फेजर जो इस फेज को जो डायग्राम दिखाए, वो कौन सा डायग्राम, फेजर डायग्राम। सपोज कर लो मेरा, अच्छा फेजर को मैं बनाता वेक्टर की तरह हूँ, लेकिन वो वेक्टर नहीं होते, याद रखना, समझ में आ रहा है? बनाता मैं थोड़ा थोड़ा वेक्टर की तरह हूँ, तुम्हें ऐसा लगेगा वेक्टर की तरह बना रहे हो, बट ये वेक्टर एक्चुअल में नहीं हो, फेजर अलग से वो बात होती है, अलग चीज होती है, ठीक है? बट फिलहाल हमने कैसे करना है मैं तुम्हें बता देता। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? हाँ अभी आएंगे उस पर भी आएंगे, अभी रजिस्टर के बाद इंडक्टर ही देखेंगे बच्चे, ठीक है? नेक्स्ट वही करना है। अच्छा फिलहाल ये हो गया, अब देखो कैसे बनाओगे। अगर सर ये मैं भी रब करूंगा, चाहोगे तो दोबारा भी, अगर इसने स्क्रीनशॉट लेने किसी ने ले लो, क्योंकि ये सेम टू सेम चीज यहाँ पर सब बनी हुई होगी नोट्स की फॉर्म में। देखो अगर मैं बताऊं कि मेरा VL यानी EMF को मैं V से लिख रहा हूँ अगर, तो वो इधर है, ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे दिख रहा है, तो मेरा करंट भी कौन सी एक्सिस पे है, मतलब x एक्सिस का मतलब ये मत डायरेक्शन मत कहना, सिंपल। अगर मैं फेजर में यहाँ पर y दिखा रहा हूँ, तो इसी के पीछे पीछे क्या है, जैसे मेरी ईएमएफ वेरी कर रही है, एक और वेरी कर रहा है करंट, तो अगर मैंने इसको x एक्सिस पे दिखाया, ऐसे दिखाया हॉरिजॉन्टली, तो आई नोट को भी कैसा दिखाऊंगा, हॉरिजॉन्टली, कोई वे का डिफरेंस नहीं है, दोनों एंगल जब उसका जीरो है तो वो जीरो पर है, वो पाई पर है तो वो भी पाई पर है, फेज दोनों का सेम है, एंगल की जगह तो फेज, तो ये भी सेम है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है थोड़ी सी आई नोट की क्या है, कम, वही वेक्टर की तरह ही दिखाऊंगा, देखो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम है, तो इसको थोड़ा छोटा दिखा दूंगा, लेकिन दिखाऊंगा बिल्कुल उसी लाइन पे, दिख रहा है क्या? ये अगर मैं आई वी नोट बोलू, अगर मैं सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ तो मैक्सिमम वैल्यू की बात कर सकते हो, या अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ तो वोल्टेज, और ये क्या हो गया, करंट। क्लियर है क्या? नोट भी बोल सकते, बिल्कुल ऐसे दिखाएंगे इस दोनों, जब भी आप ऐसे लाइन दिखी हो तो क्या बोलोगे, वोल्टेज और करंट एक दूसरे के कैसे हैं, फेज। डन, मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चे, एक बार किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना, बाकी मैं बाद में भी बना सकता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, ये सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ बना हुआ भी होगा, ये ग्राफ यही तो बनाया था मैंने, सेम। अब इसने कैसे दिखाया, मैंने तुम्हें दूसरे तरीके से दिखाया, इन्होंने दूसरे तरीके से दिखाया, एग्जैक्टली इन्होंने ये दिखाया, क्योंकि हम इसमें भी दिखा सकते हो, बस मतलब सेम होना चाहिए, अभी जहां पर ई नोट है क्या वहीं पर आई नोट है क्या,
बोलो, जहां पर आई नोट है उसी के पीछे पीछे आई ई नोट है, ई नोट है वही आई नोट है, और बस आई नोट को थोड़ा छोटा दिखाया। ये तुम्हें पता है क्यों छोटा दिखाया है? क्योंकि आई नोट की वैल्यू ई नोट से क्या है? अगर आर एल सी सर्किट में करोगे तो तुमको ऐसा ही दिखाना पड़ेगा जैसे मैंने दिखाया ना, ऐसे तुम्हें ऐसा ही दिखाना पड़ेगा। बट तुम्हें मतलब समझ में आना चाहिए। मतलब समझ में आया ना? दोनों का फेस क्या है? सेम है। भी जैसा मैंने बनाया वो तुम आर एल सी में बनाओगे तो तुम्हें तब भी वो भी दिख जाएगा, पर फिलहाल यहाँ तक देखो। डन है, चले आगे। यहाँ पर जो नोट करने वाली लाइन है वो ये है, ई एम एफ एंड करंट आर इन सेम फेस। आइए, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो सकते जैसे ई नॉट और आई नॉट अलग अलग? अपोजिट फेज, उसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसे होगा, देखो वो ऐसा होता अगर ई एम एफ मेरा ऐसे वेरी करे और मेरा करंट कैसा हो, ऐसा हो। जब ई एम एफ ऐसा हो, करंट ऐसा हो, मतलब जब इसकी पॉजिटिव साइकिल आ रही है तो इसकी क्या आ रही है? नेगेटिव। इसकी नेगेटिव तो पॉजिटिव, समझ रहे हो? और ये कितना एंगल हो गया, जीरो से पाई, पाई तो पीछे है, तब वहां पर अपोजिट दिखाएंगे जब वो पाई का डिफरेंस आएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तब वो अपोजिट में दिखेगा। ऐसी पाई बाय टू का होगा तो वो कितने डिग्री पर दिखा दूंगा तुम्हें? पाई बाय टू का मतलब कितना? 90 डिग्री। तो जो तुम अपोजिट की बात कर रहे हो वो अगर ये केस होता तो होता, लेकिन अब क्या अपोजिट है क्या? सेम तरीके से वेरी कर रहे हैं। चले अब इनके बीच में देखो एंगल, खास बात क्या लिखा हुआ है? ओमेगा टी। ओमेगा टी क्यों बताया सर? ये ओमेगा टी अभी बताएंगे इसको आगे, लेकिन फिलहाल यहाँ तक समझो, आगे तुम्हें पता लगेगा ये ओमेगा टी क्या है। फेजर डायग्राम और है वेव डायग्राम। ओमेगा टी वैसे तुम्हें पता तो है ही ना, ओमेगा टी किसकी यूनिट होती है? थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू है। अगर ओमेगा टी पाई होता और कोई चीज यहाँ पर एक्स की जगह, अभी आगे मैं दिखाई देता हूँ कंफ्यूज में। तो अब ये इंडक्टर, अभी किसी बच्चे ने पूछा था इंडक्टर है ना, सेम टू सेम वही सब चलेगा सर इंडक्टर में भी। अब इंडक्टर में कैसे निकालोगे? उसमें तो V इज इक्वल टू आई आर लगा देते थे, इसमें V इज इक्वल टू आई आर लगाने में दिक्कत होगी, तुम्हें नहीं पता कैसा फॉर्मूला, लेकिन इंडक्टर में एक और फॉर्मूला पता है। ई एम एफ कैसे निकालते हैं? एल डी आई एल डी आई बाई डी टी। तो क्या सर वही नहीं निकाला? देख दिखाया इंडियो माइनस लगाते थे आगे, डन। इसी को कोई डाउट? सिंपल बला तो सर, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो ना, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ई की जगह अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, E की जगह क्या लिखूंगा अब? एल की जगह एल ही लिखूंगा, डी आई बाई डी टी। तो देखो क्या इसने वही नहीं लिखा सेम? अब मेरे को डी आई निकालना हो तो मैं क्या कर दूंगा सर? डी टी को उधर लिख दूंगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी dt, और यहाँ पे है di, और यहाँ पर डिवाइड बाय l भी चाहो तो कर दो। क्लियर है? अब ये तो स्मॉल करंट आ गया, टोटल निकालने के लिए दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट फिर। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये e नोट बाय l तो बच्चे क्या है? कॉन्स्टेंट है, तो वो कहाँ आ जाएगा? बाहर। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस कॉस। अब यहाँ पर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ सब ध्यान देना। माइनस कोस ओमेगा टी, और ये डी आई का इंटीग्रेशन तो आई हो गया। क्लियर है? अब आई इज इक्वल टू ई नोट बाय एल, तो ठीक है क्योंकि ई एम एफ क्या आया था? ई एम एफ कितना था? ई नोट साइन ओमेगा टी। इसको भी रब करूंगा बच्चे, मैंने सिर्फ इसीलिए लिखा है क्योंकि ये सब कुछ लिखा हुआ है एज इट इज, जैसे मैंने स्टेप वाइज लिखा हुआ है सेम टू सेम स्टेप वाइज लिखा हुआ है यहाँ पर भी, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना अगर मैं रब कर दूं बाद में तो? No, sir. अगर कुछ भी एक्स्ट्रा होगा तो मैं लिख दूंगा पेन से वो। E नोट बाय L, अब माइनस है तो एक बार मैं माइनस को बाहर भी ले लेता हूँ, मान लिया माइनस को बाहर ले लिया, या ना भी लो तुम्हारे ऊपर है। देखो मैं किसी चीज को कंपेयर तब कर पाऊंगा जब वो सेम तरीके से होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर भाई यहाँ पर साइन ओमेगा टी है तो यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी का फंक्शन हो तो मैं अच्छे से कंपेयर कर, भाई अगर तुम्हें ऐसा दे दूं 5x², तुम इसको अच्छे से कंपेयर कर पाओगे या इसको अच्छे से कंपेयर कर पाओगे?
किसमें तुम्हें दिक्कत नहीं हुई? ऊपर वाले को इजीली कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर भी x स्क्वायर का फंक्शन है, यहाँ पर भी x स्क्वायर का फंक्शन है, तो तुमको सिर्फ किसको कंपेयर करना पड़ेगा, 5 और 8। लेकिन यहाँ पर तो तुमको वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि एक में x का स्क्वायर है, एक में x का क्यूब है। ऐसा ही इसमें अगर ये साइन का फंक्शन है, ये कोस का फंक्शन है, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी ना, आएगी सर। तो हम क्या करते हैं कि इसको भी किसका फंक्शन बना दूं, साइन का बना दूं, चाहो तो उसको भी कोस का बना सकते हो, लेकिन हम साइन में इसीलिए इसको रख रहा हूँ क्योंकि तुम रेजिस्टर में भी इसको किस में रखते थे, साइन में, तो इंडक्टर में भी इसको साइन में रख दो, कैपेसिटर में भी इसको साइन में रख दो, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसको कोस को किस में बदल दूं, साइन। रीजन समझ आ रहा है क्यों बदल रहा हूँ? अब तुम्हें पता है सर, ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, साइन थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, तो कोस थीटा अगर मैं नेगेटिव बाहर ले लूं, अगर इस कोस थीटा है तो इसको क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस थीटा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये साइन थीटा माइनस 90 हो जाएगा क्या? यस सर। ओह शिट, एक सेकंड रुकना बच्चे, स्क्रीन शेयर स्टॉप हो जाएगी। दिख रही है दोबारा देखो? नो सर, नो सर, दिख जाइए अभी, नो सर, यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था बच्चे, साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस 90, तो थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, मेगा टी, मेगा टी, क्लियर है ना? Yes, sir. देखो ध्यान से, अब खास बात देखो, 90 को मैं लिख दूं पाई बाय 2 तो किसी को कोई दिक्कत आएगी क्या? No, sir. पहले तो यहाँ तक देखो, बहुत बेसिक बेसिक चीज बताई है मैंने। अब मैं सीधा लिख सकता हूँ क्या, मैंने माइनस कोस ओमेगा टी को क्या लिख दिया, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। वो कैसे किया तुम्हें, सबको क्लियर है क्या, किसी को भी दिक्कत है बेझिझक पूछ लो, ये नई चीज है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? Yes, sir. अब तुम देखो, अब ये किसकी वैल्यू है, मैं कंपेयर करता हूं, तो माइनस कोस ओमेगा टी की जगह लिख देता हूँ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है, इसकी जगह आई नॉट लिख दूं क्या, कोई दिक्कत? नो सर. अभी के लिए आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय, अब यहाँ पर देखो यही आ रहा है क्या? Yes, sir. अभी देखो, अभी कहाँ है, अभी आएगा, ठीक है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय, किसी को कोई डाउट? नो सर। मेरे को है, पकड़ो एक चीज, एक चीज खास बात जो भूले हुए हो, ध्यान से देखो, आई नॉट को देखो, मैंने आई नॉट को ई नॉट बाय एल लिखा, कैसे लिख सकता हूँ सर? नहीं, जब तुमने साइन का इंटीग्रेशन किया तो माइनस कोस ओमेगा टी लिखा, लेकिन डिवाइड बाय भी क्या आएगा, ओमेगा, तो यहाँ पर भी ओमेगा आ जाएगा, ये ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा, तो ई नोट बाय ओमेगा एल को क्या लिखूंगा, आई नोट, याद है ना हमने पिछली बार भी किए थे इंटीग्रेशन, जो उसका जो ओमेगा फैक्टर है वो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, डिवाइड, याद रख लेना, साइन ओमेगा टी का जब करोगे कोस ओमेगा टी डिवाइड बाय क्या आएगा, ओमेगा, दिमाग से निकल जाती है चीजें, ठीक है, करेक्ट कर दिया करो सब चीजों को। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, आंसर क्या आया सर, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब इसको कंपेयर करते हैं, आओ सर, अगर मैंने नेक्स्ट पेज के लिए जगह छोड़ी है तो बिल्कुल छोड़ रहे हैं, ई तो आया मेरा पी नॉट साइन ओमेगा टी, आई क्या आया, आई नॉट साइन ओमेगा टी ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, तो बता सकते हो कौन आगे है कौन पीछे है, फेज में बताओ कौन आगे है कौन पीछे है, तो सर अगर ये मेरे पास, अगर किसकी बात करें, इसकी बात करें, अगर ये मेरे पास ई है तो आई कैसे बनेगा,
परपेंडिकुलर ऐसा ऐसा कह रहे हो क्या? नो सर, क्या पता अगर ये आई है तो ई क्या ऐसे ही बनेगा क्या? अब समझोगे, देखो 90 डिग्री मतलब कितनी साइकिल? हाफ साइकिल में तो कितना होता है एंगल? पाई होता है, पाई होता है, पाई बाय टू मतलब हाफ का भी आधा, राइट? तो yes, जब इसने आई ने कौन पीछे है और आई पीछे है ना, आई तो जब आई की पहली साइकिल स्टार्ट हो रही होगी, ई अपनी 1/4 साइकिल स्टार्ट कर चुका होगा, यहाँ समझ में आ रहा है? अब ये स्टार्ट होगा आगे की बात, यहाँ तक तो ये पहुंच चुका होगा, उसके बाद इसने स्टार्ट किया हुआ है ऐसे, समझ रहे हो? Yes, sir. ऐसे चलेगा। किसी को कोई डाउट है? No, sir. No. तो अगर तुम, मैं इसको ध्यान से देखना, तो ऐसे चलेगा ये, तो ये कितना आगे है सर? पाई बाय टू आगे है। कितना आगे है? पाई बाय टू। कैसे, कितनी साइकिल मैंने छोड़ी है बस? पाई बाय टू, हाफ, क्योंकि यहाँ तक देखता हूँ तो ये पूरा पाई था, यहाँ तक इस एंगल पे कितना होता है? पाई बाय टू। कोई दिक्कत? नो। रेड वाला फोन है, ईएमएफ है या करंट है, कौन बताएगा मेरे को? करंट है। क्या है रेड वाला? करंट। जो आगे है वो है रेड वाला या जो पीछे है वो है रेड वाला? तो जो पीछे है वो जो आगे है बच्चों, क्योंकि देखो जब येलो स्टार्ट हो रहा है तो लाल वाला कुछ पार्ट कवर कर चुका है, तो कौन आगे है, लाल वाला या रेड वाला? रेड वाला, रेड वाला, तो रेड वाला कौन होगा? ईएमएफ होगा। और बुक्स में कई बार ना इसको ऐसा दिखा देते हैं बच्चे, ये पार्ट हटा देंगे तो ये ऐसा लगता है ये कोस का फंक्शन है और वो किसका फंक्शन है? साइन। बात सच भी तो है, हमारा आंसर क्या आया था? आई किसका फंक्शन आया था? अगर तुम देखो तो आई तो फंक्शन आया था, उस कोस को हमने चेंज कर दिया था साइन में ताकि हम कंपेयर कर पाए, क्लियर है ना सबको? इसीलिए अब मैं इसको रब कर देता हूँ, एक सेकेंड, लास्ट पेज पे दोबारा भी लिख दूंगा अगर अभी ये रब भी नहीं हो पाएगा, सॉरी, मैं इसको रब कर दूंगा जब हम इसको करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है? लेकिन तुम्हें समझ में आ गई ना चीजें? ग्राफ yes, ये दिख रहा है, देखो जब ये स्टार्ट हुआ, अब इन्होंने दूसरे तरीके से बनाया हुआ है इसको, सबर करते हैं एक सेकेंड, मैं इसको रब ही कर देता हूँ। अब दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है? Yes, sir. इसने भी वही बताया, बस इसने थोड़ा सा अलग तरीके से बताया। सर मैंने जो बताया था उसमें ये मेरा क्या था सर? करंट, और जो बाहर से आ रहा था जो पहले खत्म कर चुका है वो कौन था? EMF. इसका भी यही पंगा है सर, सेम, इसने भी तो यही बोला है, सेम टू सेम चीज। क्या सर? ये हाफ साइकिल इसकी पूरी हो चुकी होगी, हाफ साइकिल इसकी पूरी हो चुकी होगी। कोई किस कौन आगे होगा? येलो वाला मेरे केस में, इसके केस में कौन आगे है कोई बता सकता है? सर रेड वाला। रेड वाला कैसे पता लग रहा है? देखो वन स्टेप आगे है ब्लू से। ई नोट जब स्टार्ट हो रहा है तो आई नोट क्या है, पीछे है या ज्यादा है? देखो ध्यान से सर, आगे आगे है वो, ध्यान से देखो। ई नोट जब स्टार्ट हो रहा है तो आई नोट कैसा है? नेगेटिव की तरफ है, नेगेटिव की तरफ है, दिख रहा है? इसको कंप्लीट जैसे भी अगर पहचान में ना आए ना, फंक्शन से भी पहचान में कर सकते हो। हमारा आंसर जो आया था, देखो आई की वैल्यू किस में आई थी? माइनस कॉस थीटा, इसलिए इसको कॉस फंक्शन बना है, लेकिन कहां से स्टार्ट हुआ है? माइनस से। हमें नहीं समझ में आती ये चीजें, हमें देसी भाषा में बताओ, तुम इस साइकिल को कंप्लीट कर दिया करो। कैसे कंप्लीट करोगे सर? इसको ना पीछे एक्सटेंड कर दिया करो और एक साइकिल को कंप्लीट करो, अब तुम्हें पता लग रहा है, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. नेगेटिव से कहां से स्टार्ट होगा? नेगेटिव से स्टार्ट होगा। नेगेटिव बड़ा है या कौन बड़ा है मुझे बताओ? पॉजिटिव बड़ा। अगर इसका भी कंप्लीट करना चाहो, इसको भी तो कंप्लीट करोगे ना, आगे तक चलते रहोगे पूरा, अब तुम्हें दिख रहा होगा सर।
जब ये पूरा अपनी साइकिल कंप्लीट, इसकी एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है, हाफ ही करो ना सबकी, इसकी जब साइकिल कंप्लीट हुई है एक, तो उसने थोड़ा सा बाद में स्टार्ट नहीं किया रेड वाले ने, देखो कंपेयर तब करना जब चाहे दोनों पॉजिटिव में हो, तो दोनों नेगेटिव में, दोनों नेगेटिव में स्टार्ट हुए, पहले कौन स्टार्ट हुआ, ब्लू वाला, फिर स्टार्ट हुआ ब्लू वाला, और इस पॉइंट पे पाई बाय टू के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पाई बाय टू पीछे है मेरा, समझ में आ रहा है? और ऐसा भी समझ में नहीं आता तो नॉर्मल चीज तो तुम्हें बता ही रखी है सर, यहाँ से देख लो आई क्या है सर, ओमेगा टी माइनस पाई बाय, और ई क्या है सर, ई ओमेगा टी, तो ओमेगा टी में से कुछ माइनस किया है तब आई की वैल्यू आ रही है फेजर में, तो मतलब कौन पीछे है, ई या आई, आई पीछे है। अब तुम्हें पता आई का फॉर्मूला जब मैंने ऊपर लगाया था कन्वर्ट करने से पहले माइनस कोस थीटा में है, तो मैं कोस वाला ग्राफ बना दूंगा, लेकिन कहां से शुरू करूंगा, सबको तो ये एक्यूरेट ग्राफ है, वो सिर्फ समझने के लिए था जो हम बना रहे थे, एक्यूरेट ग्राफ देखोगे तो ये होगा, क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, वो भी सही है, वो भी सही है, लेकिन वहां पर एक कंडीशन नहीं लिख सकते तुम कि वो माइनस कोस थीटा का ग्राफ है, लेकिन यहाँ पर तुम लिख सकते हो ना माइनस कोस थीटा का ग्राफ, दिख भी रहा है और यहाँ पर लिखा भी हुआ माइनस कोस थीटा, वो बना दोगे तो वो भी कोई बंदा गलत नहीं करेगा तुम्हारा, उसमें भी यही ये हमारा क्या है, हम किसी भी पॉइंट पे फोटो खींच सकते हैं ग्राफ की, तो उसमें भी तो क्या डिसाइड कर रहा है सर, कौन पीछे है, करंट, यहाँ पर भी कौन बता रहा है कौन पीछे है, करंट, तो दोनों ही ग्राफ में हमें यही पता लग रहा है करंट पीछे, तो तुम कोई भी ग्राफ बना दो कोई गलत नहीं करे, बट ये याद रखना, अब अगर इंडक्टर लगा हुआ है ग्राफ में, इंडक्टर लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर, रजिस्टर नहीं है साथ, तो कौन पीछे रह जाएगा सर, करंट पीछे, और कितना पीछे रह जाएगा, पाई बाय टू से, अब मेरे तरीके से बनाएंगे, अगर इन्होंने दूसरे तरीके से बनाया होगा तो वो देखेंगे, चलो पहले मेरे तरीके से बनाते हैं, ईएमएफ कहाँ है सर, अगर यही है अभी, अब क्या करंट भी यही दिखाऊंगा क्या सर, पीछे थोड़ा सा पीछे दिखाऊंगा, पीछे द सेंस नेगेटिव, कितना पीछे, पाई बाय टू, वेरी नाइस, तो ये दिखा दिया तो 90 ऊपर हो गया, आगे नहीं हो गया एकदम, Yes. अगर ऐसा दिखा दू तो 90 डिग्री तो है, फेस तो 92 डिग्री है, लेकिन कौन आगे दिख रहा है तुम्हें, वी या आई, आई दिख रहा है, आई दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कैसे दिखाना पड़ेगा मेरे को आई को, ऊपर या नीचे, नीचे पाई बाय टू नीचे है, और वैल्यू तो इसकी वैसे ही कम होती है, तो इस ये फेजर मेरा बता रहा है क्या कि मेरा कौन आगे है, वोल्टेज आगे है, पीछे है, क्लियर है, तो इनके थ्रू भी देख लेते हैं, चाहे ये बना दो चाहे ये बना देना, इसमें भी वही है सर, कैसे पता लग रहा है इसमें वही है, इन्होंने ई नोट ये बताया है, और वो ई नोट से कितना पीछे, याद रखना मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं हमेशा, ई नोट, अब ई नोट से कितना पीछे है करंट, कितना, पाई बाय टू, पाई बाय टू इससे पीछे चले जाओ, तो इससे 90 डिग्री क्या यही नहीं हुआ, अगर पाई बाय टू आगे होता तो कैसे बनता सर, ऐसे बनता ऊपर 90 डिग्री ऊपर की तरफ, समझ रहे हो, दोनों yes, में से कोई ग्राफ भी बना सकते हो, अगर तुम ये भी बना दोगे तो बच्चे कोई तुम्हारा गलत नहीं करेगा, लेकिन मैं बताऊंगा ये कब बनाना है ये कब बना रहा है, मैं उसको रब क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन है कौन सा फैक्टर, जो मैंने एक बात बताई थी पिछले में कि मैं आगे बताऊंगा, वो क्या चीज बता रहा था मैं, एक चीज थी जो मैंने बताया था मैं आगे बताऊंगा, ओमेगा इंटू टी, जो कि ये एंगल था, दिख रहा था, yes, sir. मैंने बताया था ना आगे बताऊंगा, अभी भी आगे बताऊंगा, जैसे ही कैपेसिटर खत्म होगा अभी तुम्हें पता चल जाए, चले आगे, yes, sir. एक्यूरेट ये क्यों बता रहा हूं मैं, दोनों का मतलब सेम है, जो मैंने बनाया जो इसने बताया दोनों का मतलब सेम है, लेकिन मोर एक्यूरेट कौन सा है, ये वाला है, और वो क्यों है, क्योंकि वो फैक्टर कौन सा है, ओमेगा टी, लास्ट में रह रुक के जाना, मैं बताऊंगा लास्ट में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, एंड तक रुकना सब, आओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, अगर रजिस्टर है तो दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे सर, अगर इंडक्टर है तो कौन पीछे रह जाएगा, करंट, अब आ जाओ कैपेसिटर की बात करते हैं, कैपेसिटर में सर सब कुछ सेम, वहां पर सर ई का ही फॉर्मूला देखते हैं, वहां पर ई क्या था करंट में, रेजिस्टर में ई इज इक्वल टू आई आर, इंडक्टर में ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, कैपेसिटर में ई क्या, यानी वी क्या होता है,
कैपेसिटेंस की फॉर्म में। C इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय वी, तो E क्या, V क्या हो जाएगा, C इनटू यू क्यू बाय सी, ठीक है। और V को तुम E की फॉर्म में भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हो चाह सकते हो, लेकिन अभी तुम V का फॉर्मूला चाहिए तो ये काफी है, क्लियर है क्या। और अब V की जगह क्या लिख सकते हो, सेम लिख सकते हो। अच्छा एक चीज याद रखना यहाँ पर, मैं बाद में बात करेंगे लास्ट में इसको, यहाँ पर आई नोट किसकी जगह लिखा है तुमने, ई नोट बाय ओमेगा एल, याद है ना ये ओमेगा कहाँ से आया था, याद रखना लास्ट में डिस्कस करेंगे इसको। अब यहाँ पर वी इज इक्वल टू क्यू बाय सी लगा दो, सर यही लगाया हुआ देखो दिख रहा है, वी इज इक्वल टू क्यू बाय सी या Q is equal to C, सेम बात है ना, E की जगह V लिख दो, सेम बात नहीं होगी, वही वोल्टेज को इन्होंने EMF बोल दिया और तो कुछ नहीं चेंज हुआ, क्लियर है हाँ या ना। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मत बोल देना बच्चे, ये EMF है, वोल्टेज है, चले आगे, ठीक है। अब करंट के लिए क्या करते हो सर, चार्ज बाय ऑब्वियसली बात है करंट निकालना है, अभी तक जो भी कर रहे थे उसमें करंट का फॉर्मूला सीधा ही आ रहा था, V is equal to IR में भी, E is equal to L di by dt में भी करंट आ रहा था, लेकिन Q is equal to CV में करंट आ रहा है क्या पहले से, नो सर, निकालना पड़ेगा, तो करंट का फॉर्मूला होता क्या है, dq by dt, I is equal to dq by dt, मतलब डिफरेंशिएट कर दो चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चार्ज की वैल्यू तुम्हें पता नहीं क्या, क्यू है तो कर दो d by dt of क्या कर दूं, q की जगह क्या लिख दूं, cv, और cv v की जगह क्या लिखूं, e नोट c तो बाहर ले लूं, sin omega, sin omega t, और sin omega t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e नोट भी बाहर ले, sin omega t का क्या होगा, cos omega t, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा, और ये ओमेगा को कहाँ लिख दूंगा, क्योंकि एंगल के साथ मल्टीप्लाई ना कर दो तुम, तो क्या आ जाएगा ये, ओमेगा सी ई नोट cos omega t, क्लियर है क्या। अब इन इस पूरे को क्या लिख दूंगा फिर से, आई नोट, वेरी गुड, ये क्या बन जाएगा, आई नोट कोस ओमेगा टी, ये किसकी वैल्यू निकाल रहे थे हम, आई आई, तो यहाँ पर आई किसका फंक्शन आ रहा है, कोस का पॉजिटिव फंक्शन, वहां पर कोस का कैसा फंक्शन था, नेगेटिव, अब यहाँ से तुम समझ सकते हो क्या होगा, करंट आगे होगा या पीछे होगा, आगे होगा, नॉर्मल है ना। अब इसको चेंज करेंगे सर, चेंज करने के लिए अगर मेरे को इसको E is equal to E not sin omega t से कंपेयर करना है तो कोस को फिर से किसको बदलना पड़ेगा, आओ बदलते हैं, अब यहाँ पर ध्यान से बदलेंगे सर, cos cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ, sin 90 प्लस थीटा, लिख दो sin 90 प्लस ओमेगा टी। अगर किसी बच्चे को ये मन में आ रहा है सर आपने पीछे तो cos थीटा को क्या लिखा था, यहाँ पर प्लस से लिख रहे क्योंकि सर पॉजिटिव, वहाँ पर नेगेटिव है ना साइन, समझ में आ रहा है ना, पॉजिटिव तो इसको अब लिख दो। अच्छा कंपेयर करने के लिए इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, साइन ओमेगा टी प्लस 90 पाई बाय टू, वेरी गुड। यहाँ पर देखो ई ओमेगा टी में आ रहा है सिंपल, लेकिन ये ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, कौन आ गया, साफ दिख रहा है, करंट आ गया, और कितने फेज से आ गया, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो फटाफट ले लेना, बट ये चीज याद रखना आई नोट किसकी जगह लिखा है यहाँ पर मैंने, ओमेगा सी ई नोट, और वहां पर किसकी जगह लिखा था, ई नोट बाय ओमेगा एल, ठीक है चलो मैं रब कर रहा हूँ, कर दू क्या, अब इसको देख लेते हैं, सेम टू सेम, ये एक्स सी क्या है अभी बताएंगे इसको, तो देखो यहाँ पर करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है बच्चों, देखना करंट आगे आएगा, करंट आ गया ना, करंट की पहले से ही, इसको मैंने हमेशा कहा हुआ है इसको बैकवर्ड करके देख लिया करो, तो करंट पहले से ही अपना आधी साइकिल, आधी का आधी मतलब
1/4 साइकिल कंप्लीट कर चुका है जब ईएमएफ मेरी स्टार्ट हो रही है। तो रेड वाला तो क्या होगा, करंट होगा, और ब्लू वाला क्या होगा, वोल्टेज होगा, वोल्टेज। अब फेजर डायग्राम तुम आराम से बना पाओगे दोनों तरीके से। अगर ये मेरा वी नोट है तो करंट ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। ये तो वैसे जानने का तरीका है, जानने का तरीका। एक्यूरेट तरीका क्या है सर? इनके इनके अकॉर्डिंग बनाए तो अब बना देते हैं वो भी। चलो इनके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर है अगर, तो इसके 90 डिग्री पर क्या होगा मेरा? आई। आई। याद रखना ये कौन सी वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू। तो 90 डिग्री ऊपर ले या 90 डिग्री नीचे लू? ऊपर। तो ये क्या होगा इनका? क्लियर है क्या सबको? चेक कर लेते हैं आप, यही हुआ है क्या? देख लो ये हमारा ग्राफ। अब बात आती है सर, जो जो आपने बात करी थी, एक तो आप आई नोट यहाँ पर किसकी जगह लिखा है? ई नोट यही लिखा था ना सर। अब बात करते हैं सर, जो जो आप कह रहे थे ओमेगा टी के बारे में बताऊंगा ये सब। देखो ध्यान से, जब हम बात कर रहे थे रजिस्टर की, E इज इक्वल टू क्या, मैं सबको कंपेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये रजिस्टर का केस लिख रहा हूँ, ये किसका लिख रहा हूँ सर? इंडक्टर। ये किसका लिख रहा हूँ सर? इंडक्टर के केस में क्या लिखा था बच्चों आपने? E इज इक्वल टू ई नोट ऐसे। यहाँ पर भी क्या लिखा था? E is equal to E not. यहाँ पर भी क्या लिखा था? E is equal to E not. इसके करवाना जरूरी है तभी इसके क्वेश्चन हो पाएंगे, तो कल हम क्वेश्चन कर लेंगे इसके, ऐसी कोई बात नहीं है, आज ये वाला पार्ट जरूरी था। अच्छा आओ, यहाँ पर करंट क्या आया था? I not. माइनस पक्का? हाँ बोल रहे हो? नहीं सर, रेजिस्टर है तो बिल्कुल कैसे आएगा? ईएमएफ की तरह। तो सिंपल साइन ओमेगा, ओमेगा। यहाँ पर क्या आएगा सर? ओमेगा टी। आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। और यहाँ पर प्लस पाई बाय टू हो जाएगा। अब बात करते हैं पहले इनके रेजिस्टर के बारे में, फिर इनके फेजर के बारे में कि उन्होंने कैसा बनाया था। पहले फेजर देख लेते हो सर। बच्चों देखो यहाँ पर एक बारी, यहाँ पर बना रहा हूं मैं इसका फेजर। ये मेरी एक्स एक्सिस है या कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ईएमएफ को देखो सिर्फ ईएमएफ, ये ओमेगा टी मतलब थीटा होता है ना। तो ईएमएफ जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो कितने एंगल पर है थी? अगर मैं ओमेगा टी को एज ए थीटा लिखूं तो यहाँ पर मैं ओमेगा टी इसलिए लिखता हूँ क्योंकि वो देखो वो ओमेगा टी की लेंथ पे है। कितने एंगल, कितना बता रहा है वो थीटा क्या है? अगर मैं यहाँ पर थीटा बना दूं या ओमेगा टी लिख दूं कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि यहाँ पर कौन सा फंक्शन आ रहा है? सिर्फ ओमेगा टी। इसका मतलब तुम एक्स एक्सिस से ओमेगा टी का ऊपर चाहोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? ई नोट मिलेगा, इसीलिए वहां पर ओमेगा टी था। समझ में आ रहा है? अगर तुम एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना जा रहे हो ऊपर? ओमेगा टी जा रहे हो। यहाँ पर सिर्फ ओमेगा टी है, ओमेगा टी के अलावा कुछ और है क्या? नो सर। अगर यहाँ पर 60 डिग्री लिखा होता तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या आती? 60। ठीक है ना? ऐसे ही तुम्हें आई नोट भी कब मिल रहा है? जब हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने ऊपर जा रहे हो? ओमेगा टी। ओमेगा टी, तो आई नोट भी यही मिल रहा है, इसलिए आई नोट भी यहाँ लगा दिया। लेकिन आई नोट की वैल्यू थोड़ी कम थी तो इसका इसका जो लेंथ है थोड़ी सी छोटी दिखा दी। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, ये तो फर्स्ट केस रेजिस्टर का। अब किसकी बात करें? इंडक्टर में। इंडक्टर में आ जाओ सर, यही हॉरिजॉन्टल, ये रेफरेंस लाइन मान लो। अगर ई नोट को देखना है तो कितने ऊपर जाना पड़ेगा? कितना इक्वेशन देखो सिर्फ, कितना ऊपर गया हूं? ओमेगा टी। साइन के बाद बताओ, ओमेगा टी। तो साइन के बाद ओमेगा टी ऊपर गया, मैं ओमेगा टी ऊपर गया तो मेरे को क्या मिल जाएगा? लेकिन आई नोट या करंट देखने के लिए ओमेगा टी कितना, ओमेगा टी नहीं जाना पड़ेगा, ओमेगा टी से कितना जाना पड़ेगा? माइनस ओमेगा टी। तो ये रहा, अगर मैं यहाँ पर बना दू तो ये देखो ये ओमेगा टी में कुछ 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 90 डिग्री
90 डिग्री भी नहीं होगा, अगर 90 डिग्री भी तब होगा जब इसमें 90 डिग्री और ऐड करने का मतलब हो गया, समझो ये 90 ये है, इससे भी 90 डिग्री, तो इसका 90 डिग्री कहाँ होगा, कुछ ऐसा होगा क्या, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाता, ओमेगा टी प्लस 90 है ना, यही होगा ना, सिंपल सी बात। यस सर। लेकिन यहाँ पर तो आई नॉट आ जाता, लेकिन ये कब आता, जब यहाँ पर कौन सा साइन होता, प्लस, लेकिन क्या है यहाँ पर, माइनस, तो इसके बिल्कुल क्या हुआ, अपोजिट। कैसे सर, ओमेगा टी से नीचे आना है तुमने, पाई बाय टू कम होना है, तो तुम क्या करो, एक लाइन बनाओ सर ब्लू वाली, कितनी जो सर कितना हो यहाँ से, इसके साथ कितना हो 90 डिग्री, इसके साथ कितना हो 90 डिग्री, समझ रहे हो, क्या ये सही है, यस सर, पक्का पक्का, यस सर। तो मैं अगर ये मेगा टी है, ये पूरा कितना है 90, तो ये पूरा कितना होगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाय सर पाई बाय टू माइनस 90, तो पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी नहीं हो गया, देखो ध्यान से देखो, बोलो सर पाई बाय टू ओमेगा टी, ये पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी हो गया, लेकिन हम तो कितनी दूर जा रहे थे, ये तुम्हें अब आई नोट, अगर ये आई नोट है तुम्हें कब मिल रहा है आई नोट, जब तुम येलो लाइन से कितना जा रहे हो 9, ये कितना है 90 माइनस पाई बाय टू, लेकिन एक्चुअल में तो मेरे को कहाँ जाना है सर, ओमेगा टू माइनस पाई बाय टू, तो कैसे होगा सर, दिमाग लगाओ, अभी तुमने बनाया भी था ओमेगा टी पे कुछ 90 माइनस करना, कैसे करे सर, ओमेगा टी में 90 जब ऐड कर रहे थे तो सर यहाँ आ रहे थे क्या, इसके अपोजिट बना दो, लेकिन ये तो सर अब 90 ऐसे किस में ऐड कर रहे सर, 90 इसके अंदर ऐड कर रहे, ओमेगा टी ये रहा, उसके अंदर 90 ऐड करने का मतलब समझ रहे हो, कैसे करूंगा बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या ओमेगा टी के क्या ऐसा बना दूं, यस सर पक्का, अभी भी नहीं हो रहा मेरे हिसाब से, ये पूरा नहीं हो रहा, ये एंगल ज्यादा याद करो, देखो थोड़ा सा इससे कंपेयर करो थोड़ा, देखो ये तो सब सपोज सब समझ में आ गया, ये तो हमने बनाया भी था, ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, अब क्या होगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू, तो देखो ध्यान से यहां पर माइनस पाई बाय टू, ये पूरा ओमेगा टी देख रहा है, नहीं सर ये तो पूरा पाई बाय टू है सर, अभी भी हमने ये तो हम बना ही चुके हैं, नहीं बनाया था क्या ये, अभी अभी हमने ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 था, इसके अंदर कहाँ चले हैं, ओमेगा टी चले हैं, क्या हो गया सर, फिर क्या मैटर करता है, मैंने पहले दिन बताई थी ये बात बच्चे, अभी भी देखो ये पूरा कितना है बच्चों, पाई बाय टू 90, ये कितना है ओमेगा टी, तो क्या ये 90 माइनस पाई बाय टी होगा या ओमेगा टी माइनस 90 होगा, तुम गलत क्या कर रहे हो, सोचो मेरे को पता चल रहा है, तुम भी सोचो, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ सर, एंगल तो नहीं ले रहे हैं अपोजिट, एंगल ले रहे हैं अपोजिट, बिल्कुल याद है क्या, हमने जब ऐसा क्वेश्चन किया था, एक ऊपर 51 नीचे 52 लिखा था, दोनों की डायरेक्शन क्या थी अपोजिट, तो हमने नीचे वाले को लिखा था माइनस फाइव टू, ऊपर वाले को लिखा था प्लस फाइव टू, याद है ना जब फाइनाइट वायर के लिए सोल्व किया था, तो तुम यहाँ पर भी देखो ना, जब ओमेगा टी देख रहे हो तो कहाँ जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, जब पाई बाय टू देख रहे हो तो कहाँ जा रहे हो, नीचे की तरफ जा रहे हो, तो अगर अभी तुम दिख रहे हो, ध्यान सुनना, अभी तुम लिख रहे थे 90 माइनस पाई बाय टू, तो ऊपर जा रहे थे तो क्या लिखा था, प्लस ओमेगा टी, प्लस, ये पूरा 90 है लेकिन कौन सी तरफ है सर, नीचे की तरफ, तो क्या माइनस पाई बाय टू नहीं होगा क्या, और ओमेगा टी कहाँ है, ओमेगा टी कहाँ है, ऊपर, तो क्या प्लस ओमेगा टी नहीं हो जाएगा क्या, अब इसको रीअरेंज करके लिखो ये क्या बन गया, माइनस पाई बाय टू, तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रख रही है बच्चे, समझ में आ रही है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगाया इस पे,
नीट का होता तो मैं टाइम ना लगाता, जेई में लगाना पड़े। क्लियर है? यस सर। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अब बना सकते हो आराम से, एरो यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर एरो क्या लगेगा सर? आओ बनाते हैं सर। ये ओमेगा टी हो गया। यस सर। अब मेरे को कहाँ बनाना है सर? ब्लू लाइन कहाँ लगाऊं? नीचे की तरफ। कितने एंगल पर? 90। और एरो कहाँ होगा? इस डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या मैं लिख देता हूँ, पाई बाय टू तो माइनस है, प्लस क्या होगा? ओमेगा। डन है? किसी को कोई डाउट? यस सर। यस सर। चले आगे, लास्ट को तो अब तो ये आराम से हो जाएगा सर। अब इसमें दोनों ही क्या होने चाहिए? प्लस, पॉजिटिव के प्लस में, तो कोई टेंशन ही नहीं है सर। रेफरेंस लाइन बनाओ। अच्छा ये आई नोट मिलेगा ना 90 डिग्री पर जाने पर, कौन मिलेगा? आई नोट। अच्छा रेफरेंस से ऊपर जाना है कितना? पहले तो ई नोट ढूंढने के लिए पॉजिटिव में जाना है ओमेगा टी। चलो कौन मिल जाएगा? ई नोट। अब ओमेगा टी में क्या ऐड कर दूं? और पाई बाय टू पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 90 डिग्री चले जाओ सर। ये पूरा कितना हो गया? ओमेगा टी प्लस यहाँ कौन मिल जाएगा तुम्हें? ये डायग्राम होते हैं फेजर डायग्राम। क्या होते हैं बच्चों? फेजर डायग्राम। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। लास्ट चीज और रह गई थी, यहाँ पर तो आई नोट को तुमने ई नोट सिंपल लिख दिया था। क्या लिखा था आई नोट को? ई नोट बाय आर, यही लिखा था ना? यस सर। यस सर। यहाँ पर तुमने आई नोट को क्या लिखा था बच्चों? ई नोट अपॉन ओमेगा एल। ओमेगा एल, वेरी गुड। यहाँ पर क्या लिखा था आई नोट? ई नोट इनटू ओमेगा ओमेगा। फर्क क्या है? देखो करंट मिल रहा है, ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करने पे हमेशा क्या मिलेगा? करंट। करंट यहाँ पर भी वही मिल रहा है, तो यानी ईएमएफ तो वही है, रेजिस्टेंस की जगह क्या आ गया? इंडक्टर ओमेगा इनटू एल। तो यहाँ पर ये भी काम किसका ही करेगा? रेजिस्टर जैसा ही, लेकिन ये इंडक्टर का है तो ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या हो जाएगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस की जगह यहाँ पर कौन सी टर्म आ रही है? ओमेगा इनटू एल। क्या आ रही है? ओमेगा इनटू एल। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो है कितना? है ओमेगा इनटू एल। और इसका सिंबल क्या होता है? एक्स लगा के उसके पैर में लिख दो एल। तो ये क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। इंडक्टर के अंदर काम इसका भी सेम वही, वो भी करंट के फ्लो को अपोज करेगा, ये भी थोड़ा थोड़ा वैसा ही काम करेगा, ठीक है? लेकिन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओमेगा इनटू एल। अच्छा यहाँ पर भी सेम काम होना चाहिए सर। करंट को अगर जिस चीज से डिवाइड करूंगा तो वो चीज क्या होनी चाहिए? ईएमएफ को जिस चीज से डिवाइड करूंगा तो वो किसकी यूनिट होनी चाहिए? रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस। यहाँ पर डिवाइड तो दिख नहीं रहा, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। आओ कैसे करेंगे? आई नोट तो आई नोट लिखो, ई नोट ई नोट, कुछ से डिवाइड हो रहा है ना, तो मैं ओमेगा सी को क्या ऐसे नहीं लिख सकता? वन बाय ओमेगा सी, क्योंकि सर इसमें भी ये ओमेगा सी डिवाइड की डिवाइड में है, तो कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई। यही चीज नहीं बन जाएगी सर? यही चीज बन। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैंने ई नोट को किससे डिवाइड किया है? वन बाय ओमेगा। तो ई नोट को जिससे भी डिवाइड करोगे वो किसकी यूनिट होती है? कैसे तरह कैसे बिहेव करता है वो? रेजिस्टेंस की तरह। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह कौन बिहेव कर रहा है? वन बाय ओमेगा। तो यानी वन बाय ओमेगा सी यहाँ पर है, कैपेसिटिव का, कैपेसिटिव का रेजिस्टेंस वाली टर्म। तो जैसे इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे, इसको बोलेंगे और इसको लिखेंगे कैसे? एक्स और उसके पैर में सी। तो ये क्या हो जाएगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो बस आज इतना ही करेंगे, बट मेरे को ये बात बताओ, किसी को कोई भी डाउट है इसमें? नो सर। रजिस्टर में कौन आगे है? करंट रजिस्टर में कौन आगे है?
इक्वल है इक्वल बोल दिया तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया इन फेज है ना. इंडक्टर भी सर वोल्टेज आगे है या करंट पीछे है कितना पाई बाय और कैपेसिटर में करंट आगे है और कितना पाई बाय टू. कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है एक्स सी और उसका फॉर्मूला क्या होता है वन बाय ओमेगा सी और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है एक्स एल उसका फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा. अब इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस तो ये थे बच्चे. आज एक बार ट्राई करके आना इसको ठीक है होमवर्क में की फॉर्म में दे रहा हूँ हो जाएगा. क्या निकालना है देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा इनटू एल एल. क्या इस इक्वेशन से ओमेगा तो तुम्हें साफ दिख रहा है क्या है एल की वैल्यू तुम्हें गिवन है कितनी एल की वैल्यू देखो फाइव तो कितना आंसर आ जाएगा फिफ्टी. देख लो यहाँ पर अभी तुम्हें दिखा देंगे कैसे आएगा ये तो एक्सएल की वैल्यू देखो क्या आ रही है ठीक है. ऐसी तुमने पीक वैल्यू निकालनी है आरएमएस वैल्यू निकालनी है उसका फॉर्मूला तुम्हें पता है आईआरएमएस आई नोट का फॉर्मूला तुम्हें पता है आईटी का फॉर्मूला तुम्हें पता है निकाल लोगे कैसे वी से आई निकालना है तो वी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी माई प्लस पाई बाय क्या है सिक्स है यहाँ है ना. तो इससे अगर करंट निकालना है तो वी को किससे डिवाइड कर दोगे करंट निकालने के लिए आर से चेक करना पड़ेगा यहाँ पर आर क्या है यहाँ पर आर क्या है. इंडक्टर में रेजिस्टेंस की तरह कौन बिहेव करता है कैसा होता है उसका नाम क्या होता है ओमेगा एल इंडक्टिव रिएक्टेंस. तो देखो तुम लास्ट स्टेप में अगर देखोगे तो वी नोट को आर की जगह किससे डिवाइड करा है ओमेगा एल से इंडक्टिव रिएक्टेंस. अगर कैपेसिटेंस होता यहाँ पर इंडक्टर की जगह तो किससे डिवाइड करते वन बाय ओमेगा सी से किससे करते वन बाय समझ में आ रहे थे ना ऊपर से नीचे लेके आए थे उसको. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है हम करेंगे हम ये सारे क्वेश्चन करेंगे लेकिन ये तुम्हें होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ ट्राई करके आना वरना ये सारे क्वेश्चन स्क्रीन पर होंगे तुम्हारे ठीक है. यस सर तीन क्वेश्चन लो बस अभी पिछले वाला होमवर्क करके आए थे ये वाला ट्राई करना सिर्फ जितना हो पाए ट्राई करना बट उससे पहले ये रिवाइज कर लेना मैंने दोबारा रिवाइज भी करा दिया. किसी को कोई भी डाउट है फेजर बनाने आ गए जो सबसे जरूरी है इस पूरे चैप्टर में. यस सर देखते ही बता. हाँ शिवानी सर कैपेसिटर इंडक्टर और रेजिस्टर तीनों को इकट्ठा करना चाहिए. अरे हाँ बिल्कुल करेंगे अलग अलग किया है ना एक्स आर को अलग एल को अलग सी को अलग. अब आर और एल को इकट्ठा तुम देख चुके हो एक बार पिछले चैप्टर में आर एल सर्किट ग्रोथ सर्किट है ना. अब आर एल को इकट्ठा लगाएंगे फिर आर और सी को इकट्ठा लगाएंगे फिर आर एल और ठीक है ऐसे चलेंगे. अभी तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि ये बेसिक था ये जरूरी था. अब तुम्हें फेजर का समझ में आ गया तो अब किसी का भी फेजर बना लोगे आराम से. डन है तीनों डायग्राम जो नीचे दिख रहे हैं उसका मतलब समझ में आ रहा है ना किसी के ऊपर से तो नहीं जा रहा. अब देखो अगर अब शुरू में मैं यही बता देता तो किसी को समझ में आता क्या. ये ऐसी चीज है बच्चे जो रटी जा ही नहीं सकती ठीक है. हाँ बिल्कुल सबर करो थोड़ा हो जाएगा सारी जगह पहुंचेंगे सब होएगा. हाँ ठीक है बच्चे आज के लिए इतना ही बाकी हम कल करेंगे. ओके सर यस सर बाय बाय बच्चों बाय बाय. प्रीवियस ईयर्स हैं ये देखो ये सारे प्रीवियस ईयर्स हैं ये धीरे धीरे आएंगे कल हो जाएंगे अगर कल क्लास है तो. बाय 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 सर.